हमारी सारी मान्यताएं असल कुल के पक्ष और हित में होती हैं। हम असुर की पत्नी और असुरों की माता हो, तुम्हें भी असुरों के पक्ष में विचारना और कार्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, किंतु धर्म और नीति के आधार पर। धर्म और नीति को यदि हम आधार बनाएंगे तो फिर हम असुर कहाँ रह पाएंगे? फिर तो हम देवताओं और महात्माओं की श्रेणी में चले जाएंगे। महात्माओं देवताओं की श्रेणी तो श्रेष्ठ होती है दैत्य गुरु, सारा जगत उन्हें पूज्य वो श्रेष्ठ मानकर नमन करता है। तिलोत्तमा, तुम्हारा अभिप्राय है कि असुरों की श्रेणी निकृष्ट और तुच्छ होती है। क्षमा करें दैत्य गुरु, प्राणी की श्रेणी का विभाजन उसके विचारों व कार्यों की उत्कृष्टता और निष्कृष्टता से होता है। दूसरों की संपदा सम्मान संस्कृति का हरण करना और उन्हें पीड़ित करना उत्कृष्ट कार्य तो नहीं कहा जा सकता। तुम दैत्य गुरु से तर्क वितर्क करोगी, तुम देवताओं को श्रेष्ठ व असुरों को निकृष्ट सिद्ध करोगी। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, किंतु सत्य के विरुद्ध सोचना और आचरण करना भी मेरी ये संभव नहीं है। तिलोत्तमा, तुम इसी समय गणेश आराधना बंद करो और जो कुछ दैत्य गुरु कह रहे हैं उसका शीघ्र पालन करो। दैत्य गुरु की नीति संगत आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु गणेश आराधना बंद करने का अर्थ होगा मेरी प्राणों की गति और श्वासों को बंद कर देना। तिलोत्तमा! पिताश्री, माता, आपके प्राण तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं वहाँ स्वर्ग में रहूं और आप यहाँ इस गुफा में। नहीं माता, नहीं, आप चलकर मेरे साथ स्वर्ग में रहिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तुमने उचित निर्णय लिया है धनासुर, तुम अपनी माता को अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाओ। संभवतः वहां जाकर ये सही ढंग से सोचने व बोलने लगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। अनुचित है आप सभी के विचार, यहाँ से जाने का अर्थ है श्री गणेश आराधना से वंचित हो जाना, और आप सब यही चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ रहकर श्री गणेश से अपने पति व पुत्रों की सुरक्षा और मंगल की प्रार्थना करती हूँ, जिसे वे सुनते हैं। यहाँ से जाकर मैं अपने पति व पुत्रों का अहित नहीं करूँगी। अब तक इन्हें जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं वे श्री गणेश की कृपा का ही परिणाम है। अनुचित व असंतुलित विचार व व्यवहार के कारण यदि श्री गणेश क्रोधित हो गए तो जगत में इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। हे कायर मदासुर, तेरी पत्नी असुर विद्रोहिणी हो गई है और तू खड़ा खड़ा मौन होकर देख रहा है। इसे हमारी बात मानने पर विवश कर, अन्यथा समाप्त कर दे इसे।